किस मकसद से हवन किया गया, क्या मकसद था? देखिए, ये हवन माननीय कौशिक जी के और ट्रक यूनियन के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने और सभी कांग्रेस प्रत्याशी 70-70 सीट पर विजय श्री का मिले, उस विषय में यहाँ पर हमन रखा गया। मात्र 2 दिन रह गए हैं, क्या दिलों की तेज हो रही है? कुछ नहीं, राजनीति गुल्ली डंडा खेल है। राजनीति में जीत और हार चलती रहती है, इसकी कोई परवाह नहीं। देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और भारी बहुमत से सरकार आ रही है। 2/3 बहुमत से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यशपाल राणा जीत के लिए आश्वस्त है? बिल्कुल, जीत के लिए पूरी कांग्रेस में 70-70 भाजपा का नारा था 60 पार, इस बार कांग्रेस का भी नारा 60 पार। 60 पार ना हुआ तो? 60 पार होगा, ना हुआ तो क्या? तुम लोगों ने पूछा कि वहाँ भ्रष्टाचार के अंदर आपने क्या हुआ, ये भी तो पूछना चाहिए। देखिए, रुड़की का विकास रुड़की की जनता से पूछ के होगा, जैसा पहले बोर्ड में हुआ है तो उस हिसाब से ही आप हमने एक काम की क्वालिटी के हिसाब से रुड़की का विकास। क्या आपको लगता है कि इस बार का चुनाव हर बार से अलग है? 100% हर बार से अलग चुनाव। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कैबिनेट में पद मिलेगा? देखिए, ये कैबिनेट में पद की कोई लालसा किसी को नहीं रखनी चाहिए, ये हाई कमान का फैसला है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे कैबिनेट मिलेगी, जिसे हाई कमान कहेगा वो कैबिनेट होगा। अभी देखिए आगे क्या होता है। क्या उसी में सभी लोग भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के नाम से ही ईश्वर अल्लाह सब लोग जो है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग साथ हैं। राणा जी प्राण कलेर भी गए, आज यहाँ पे हवन का आयोजन किया और किसी धार्मिक स्थल पर वो ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ा हो, सब जगह माथा टेक के आए हैं कि सबका मुझे प्यार स्नेह जो चुनाव में मिला है उसका आशीर्वाद अब ईश्वर के हाथ में है। आपने चुनाव नजदीक से देखा है, क्या लगता है आपकी बार यशपाल राणा जीत पाएंगे? 101 नहीं बल्कि 220% यशपाल राणा रुड़की का इतिहास बनाएंगे और रुड़की से जीत के आएंगे। सिन्हा साहब के बाद में पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो बगैर किसी बड़ी जाति के रुड़की का विधायक बन रहा हो। जीत होएगी, पक्का जीत होएगी। हम लोग आशीर्वाद देते हैं, माता रानी खुश रखे, लंबी उम्र दे, परमात्मा खुशियां दे और सब लोगों को हम आशीर्वाद देते हैं, अच्छा होगा। माता रानी खुश रखे, मैं बात कर रही हूँ रुड़की से। अच्छा, कहा जाता है कि जिनको आपका आशीर्वाद मिल जाए उसकी जीत होती है, दिल से होती है, होती है। हाँ, पक्का पक्का। राणा जी को, मेरे राणा जी जीत रहे, मेरे राणा जी अच्छे हैं मेरे। प्रदीप जी को नहीं।